हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी और रिकॉर्ड ब्लॉग्स। और आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। गाइस, आपको पता ही चला होगा कि आज के वीडियो में कौन सा टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक होने वाला है ले लद्दाख राइड के प्रिपरेशन के बारे में। दो तीन साल पहले की अगर बात करूँ, दो तीन साल पहले हमारा प्लान सक्सेस नहीं हो रहा था। ले लद्दाख राइड ऐसी है जो कि फाइनेंशियल भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और फिजिकली भी। फिर हम लोग 2022 में केदारनाथ चले गए थे, तब भी हम लोग का कुछ आधा फाइनेंशियल मतलब ओके हुआ था राइड का। प्लान कर रहे थे ले लद्दाख का, बट हम लोग चले गए केदारनाथ। फिर हम लोग ने कुछ भी करके सोचा भाई 2023 में जाएंगे, तो फिर अभी प्लान सक्सेस होने जा रहा है भाई। हम लोग जाने वाले हैं ले लद्दाख राइड के लिए। ले लद्दाख जाने के दो तीन रास्ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फोर व्हीलर से ले लद्दाख जाते हैं मुंबई से, कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी ट्रेन में डाल के दिल्ली से या मनाली से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ से प्लेन से जाके वहाँ पे रेंट पे गाड़ी लेके भी वहाँ पे राइड करते हैं। तो गाइस, हम लोग ने डिसीजन लिया है कि मुंबई टू लद्दाख जाने का। हम लोग ही नहीं बल्कि जो बाइक लवर है, जो बाइकर कम्युनिटी में आता है, उनका सबका ड्रीम होता है कि ले लद्दाख राइड करने का। राइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी बॉडी बहुत फिट होनी चाहिए। तो फिलहाल तो मैंने वर्कआउट चालू नहीं किया, बट मेरी अपर बॉडी का थोड़ा बहुत वर्कआउट अभी चालू है। कुछ दिनों के बाद ही राइड होने वाली है। तो हम लोग का ये प्लान 5 महीने पहले ही हुआ था। तो मैं और विपुल, अजय, अभिजीत, विकी, लतेश, तो हम लोगों ने प्लान किया है ले लद्दाख राइड का 2023 में जून मंथ का हम लोग ने प्लान किया है स्टार्ट में। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है ले लद्दाख राइड, जो कि अप्रॉक्स हमारा जो किलोमीटर होने वाला है वो 5700 किलोमीटर कम से कम होने वाला है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। आज होने वाला है प्रिपरेशन ब्लॉक के बारे में, ले लद्दाख राइड के प्रिपरेशन के लिए। बाइक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बाइक का जो मेरा एसेसरीज था वो मुझे थोड़े दिनों के बाद मिल रहा था। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि पहले दिन मैंने मेरे गाड़ी में क्या लगाया था। सबसे पहले मैंने लगाया था मेरे गाड़ी को सैडल स्टे, और ये लगाना मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लद्दाख राइड में अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ एक पिलियन भी था। तो मुझे ये सैडल स्टे लगाना था। इसकी अराउंड कॉस्टिंग मुझे 2900 रुपीज़ पड़ी है, और इसका फिटिंग चार्जेस उन्होंने लिया था मेरे से 400 रुपीज़, और एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ हुए थे ये नट बोल्ट्स के वगैरह। तो टोटल अराउंड कॉस्टिंग मुझे 3500 रुपीज़ पड़ी। तो ये सैडल स्टे मैंने लगवाया था मेरे बाइक पर सबसे पहले। तो ये था मेरा पहला दिन जो मैंने सैडल स्टे मेरे बाइक को लगाया था। अभी उसके बाद दूसरे दिन मैंने मेरे गाड़ी का काम पेंडिंग था वो किया था। जो इतना सामान है जो आज मैं गाड़ी में इंस्टॉल करने वाला हूँ, वैसे बेसिक सर्विस होती है उसका सामान है। ये है एयर फिल्टर, और वो भी फिल्टर ही है, वो फ्यूल फिल्टर है, ये तीनों फिल्टर ही है। और ये मंगाया था मैंने अमेजोन से हैंड गार्ड, और ये भी उसका डिस्टेंस, दोनों तो डिस्क पैड है। और ये है ऑयल सील, और ये ऑयल जो ऑयल सील में जाने वाला है, और ये है रेडिएटर गार्ड, ये है फोक ऑयल सील प्रोटेक्टर। ये मैंने 800 रुपये में लिया था, ये तो ऑफलाइन लिया है मैंने, और ये ऑनलाइन लिया, ये ऑनलाइन में मतलब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें इतना सामान इंस्टॉलेशन होने वाला है। वैसे तो बेसिकली मेरे फोक ऑयल सील अच्छे है, कुछ हुआ नहीं है, बट मैं एज अ सेफर सेट मैं इंस्टॉलेशन करके ले रहा हूँ, बिकॉज लंबी राइड में मुझे कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं एज अ सेफर साइड में ऑयल सील भी चेंज करके ले रहा हूँ। रेडिएटर गार्ड भी इंपॉर्टेंट है लद्दाख राइड के लिए, क्योंकि गाइस अगर रेडिएटर पे थोड़ा भी पत्थर लगा और रेडिएटर लीक हो गया तो आपकी गाड़ी हीटिंग इश्यू देना चालू करेगी। तो रेडिएटर गार्ड मुझे पर्सनली लगा कि लगाना इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी मैंने कुछ 800 रुपये में ही लिया था, ऑर्डर किया था अमेजोन से। अरे मैम, मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉश करना था मेरे को पूरा पहले। इस पर ज़्यादा मिट्टी चिपकी थी ना, तो वॉश में निकलती नहीं वो। अच्छा, तो पहले क्लीन कर देता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मत लगा, फिर पहले वॉश करके ले लेंगे ना। अभी ये अगर खराब हो गया है, अगर नया डालने का देखेंगे तो भाई 600-700 फिर से खर्चा बढ़ने वाला है अपना। वो ज्यादा ही ढीला हो गया है पर मेरे हिसाब से, इसलिए मैं देख रहा था, मैं बोला अभी क्या करें। एनडी नंबर प्लेट अभी इस पे पीछे लगेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगा देता ना तो बार बार यहाँ लग जाती। अरे पकड़ा जी, गरज नहीं ना, मेरे गाड़ी के टायर की हवा बार बार निकल रही है,
गाड़ी के टायर पंचर है कि वॉल खराब है पता नहीं, अभी जाके चेक करता हूँ। गाड़ी तो फिलहाल सब फिट हो गया है, गाड़ी सर्विसिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, यहाँ पे मैंने सील कवर भी लगा दिया है, तो अभी एक बार जाके पंचर देख लेते हैं हम लोग। A few moments later. पंचर तो मुझे नहीं दिखा रहा है, पर पता नहीं गाड़ी दो तीन दिन खड़ी होने के बाद फटाक से टायर से हवा निकल रही है, अभी पंचर तो नहीं दिखा। बाजू से भी थोड़ा बहुत बबल आया था, ज़्यादा नहीं, बट अभी देखते हैं, दो दिन चेक करेंगे हम लोग, अगर होगा तो टायर निकाल के वापस लगाएंगे। अभी फ़िलहाल गाड़ी का तो इंटरनल काम मेरा सब कुछ हो चुका है, अभी मैं लगाने वाला हूँ इस पर फॉग लाइट जो कि मैंने आफ्टर मार्केट परचेज़ किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज़ ये HJG की जो लाइट है ये मैंने आफ्टर मार्केट परचेज़ की थी, इसकी ओरिजिनल प्राइस है 4,000 रुपया, बट मुझे थोड़ी कम में मिली, ये मुझे 3,000 रुपये में मिली है लाइट। और गाइज़ इसका जो ये हार्नेस बोलते हैं जिसे, और ये विथ स्विच, ये मेरे को टोटल 1100 रुपया पड़ा है। ये स्विच है ऑन ऑफ का लाइट का, और ये लाइट में वाइट एंड येलो दोनों भी लाइट्स आते हैं इसमें, और ये हार्नेस और ये लाइट। तो अभी गाइज़ मैं मेरे गाड़ी में ये फिटिंग करने वाला हूँ HJG की लाइट, देख सकते हो आप, इसकी ब्रांडिंग भी है HJG की, ओरिजिनल लाइट है, और इसके साथ आपको क्लिप भी मिलेंगे, ये देख सकते हो आप, आपको इसमें क्लिप भी ये मिलेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्लिप भी आते हैं उसके साथ, और ये लाइट और येलो वाइट दोनों भी लाइट्स आती है इसमें, और ये हार्नेस और स्विच मुझे 1100 रुपये में पड़ा है। लाइट भी पूरी वाटरप्रूफ है और हार्नेस भी पूरा वाटरप्रूफ ही बना दिया है रुपये, और इसकी 6 महीने की वारंटी है जो मुझे मिली है। इधर सीट आएगा, ये जो पॉइंट है ना इस पर सीट आएगा, उस हिसाब से लगा दो इधर देख, हाँ ये इस पर सीट लगेगा, तो नहीं लगेगा किस पे, अरे ये दो डॉट पे सीट लगेगा, मैं वो बोल रहा हूँ। विपुल ने मेरा 5 रुपया बचा दिया अभी एक सॉकेट ढूंढ के। ड्यूक 200 बेस 6 में दिक्कत यही है, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट लगाने की वजह से ये नड़ रहा है मेरे को, अभी ये कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग जहाँ पे गए थे, एक्चुअली मेरे गाड़ी पे लाइट फिट नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने अभी ये पट्टी लिया है और थोड़ा जुगाड़ी काम करके अभी मैंने यहाँ पे ये जो रेडिएटर का गार्ड का कवर होता है उस पर लगा रहा हूँ मैं लाइट, अभी थोड़ी देर के बाद फिटिंग हो ही जाएगी। मेरी इतनी हालत हो गई सेकंड डेज, क्योंकि मेरी गाड़ी का ऑल ओवर मतलब 70% काम तो मेरा उसी दिन खत्म हुआ था, फिर बाकी रह गया था तीसरा दिन, जो दोपहर में हम लोग इतना घूमे, हम लोग का तीसरा दिन का तो आधा डेज इसमें निकल गया सीट बनाने में। मेरी जो बाइक है सीरा, उसकी जो सीट है KTM ड्यूक 200 बेस है, इसकी जो कंपनी सीट है वो एक्चुअली बहुत हार्ड है, उसमें कुशनिंग नहीं है, मेरे लिए 2200 की सीट लेना मतलब मेरे बजट के बाहर था, तो हम लोग ने जुगाड़ किया जो मैं आपको बताऊंगा, आपको भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने क्या किया है कि पहले गए बेडशीट के वाले के पास, हम लोग ने वहाँ पे फॉर्म ख़रीदा, फिर हम लोग वो फॉर्म लेके हम लोग गए फिर सीट वाले के पास, अभी हम लोग ने हमारे यहाँ पे पूरे सीट वाले जो होते उनके पास घुमा, पर कोई एग्री नहीं हुआ, जो हम लोग प्लान हमारी जुगाड़ी सीट बना रहे थे उसके लिए कोई एग्री नहीं हो रहा था, तब भी हम लोग को अंधेरे में भी घूम घूम के भाई मिल गया, फिर हम लोग ने वहाँ पर सीट उसको कन्वे करके बना दिया, तो इन्होंने हमें बना के दी थे, तो मैं आपको वो सीट दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये रही जो सीट, हम लोग ने फॉर्म लिया, फिर उनको बोल दिया कि यहाँ पे हम लोग को खाली कवर बना के उन्होंने दे दिया है, और हम लोग ने जो हमारी बाइक की चेसी होती है उसको लगाने के लिए हम लोग ने ये 4 बेल्ट लगा दिए, और फॉर्म भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, 2000 वाली सीट खरीदने से अच्छा है मुझे ये 350 की ये सीट हमें अच्छी लगी, तो हम लोग ने ये जुगाड़ी सीट बना दी है। तो आप भी ये जुगाड़ कर सकते हो राइड के लिए, लेह लद्दाख के लिए नहीं, बट आप वन डे राइड या बड़ी लॉन्ग राइड अगर करते हो तो आप ये जुगाड़ कर देना। ये मैंने राइनोस का रेन लेयर खरीदा था जो 1000 रुपीज़ में मुझे मिला। गाइस लेह लद्दाख प्रिपरेशन की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार, फिर मिलते हैं लेह लद्दाख राइड पे डायरेक्ट।